रशिया में MBBS करने के लिए बेहतर कार्य कर रहे संस्थान इरा एजुकेशन के द्वारा होटल चोपड़ा रेजिडेंसी में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस सेमिनार में हमीरपुर से इरा मेडिकल ऑफिस के अलावा रशिया में MBBS करवाए जाने वाले संस्थान के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार में रशिया से मैडम कतरीना ने भी शिरकत की और उपस्थित छात्रों का मार्गदर्शन किया। सेमिनार में विस्तार से बताया गया कि किस तरह से MBBS के लिए कैसे तैयारी करें और विदेश में जाकर छात्र किस तरह से MBBS को पूरा कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से रशिया में मेडिकल संस्थानों की जानकारी उपस्थित छात्रों को और परिजनों को दी गई। सेमिनार में डायरेक्टर डॉक्टर पारस, डॉक्टर पंकज, काउंसलर मंजू दीवान के अलावा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सेमिनार में रशिया से आई हुई मैडम कतरीना ने मेडिकल के क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर चर्चा की और बताया कि रशिया में किस तरह से मेडिकल क्षेत्र में आकर MBBS किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रशिया में इंडिया के छात्र भी रशिया में जाकर बढ़िया से MBBS कर रहे हैं और इरा मेडिकल के माध्यम से काफी छात्र कोर्स कर रहे हैं। Parts of Russia, and it's located on the river of Oka, and the distance between Moscow city and the city of Orel is like 325 kilometers, which makes it pretty. Medical University of Orel is the member of the classical associations of universities of Russia, which makes it a very high ranked medical educational center. Right now, it includes 17 departments with 100 full time working teachers. Like a huge amount of teachers, and I can see that the science base of Orel Medical University is one of the best in Russia. It is the high ranked medical education to all the students, and as we can see, this is very high rank of education. So, a few words about Russia. I hope everyone knows that it's the biggest country of the world. It's very developed economically, culturally, very rich in historics. वहीं इरा मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ने बताया कि एक दिवसीय सेमिनार में आए हुए छात्रों और उनके परिजनों को MBBS के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस तरह से संस्थान रशिया में MBBS करवा रहा है। उन्होंने कहा कि सेमिनार में काफी लोगों ने शिरकत की। आज चोपड़ा रेजिडेंसी में हमारा एजुकेशन सेमिनार हुआ और ये सेमिनार MBBS से रिलेटेड है। जो बच्चे यहाँ नीट नहीं क्वालिफाई कर पाते और किसी कारणवश कम मार्क्स लेते हैं, तो उसके लिए हमने बाहर यूरेशिया, यूक्रेन, चाइना और कुछ कंट्री में MBBS करने के लिए बच्चों की हेल्प करते हैं वहाँ। तो इस बार जिस सेमिनार का मेन जो एम है, बाहर से यूनिवर्सिटी से फॉरेन डेलीगेट भी आए थे और इसमें काफ़ी हिमाचल के काफ़ी जिलों से पेरेंट्स आए थे और उन यहाँ पार्टिसिपेट किया और उन्हें बताया गया फॉरेन में MBBS कैसे की जाती है और कैसा वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। और बहुत ही अच्छा सेमिनार रहा, काफ़ी लोग आए थे और ऑन स्पॉट एडमिशन की भी की सुविधा भी थी और दो तीन ऑन स्पॉट एडमिशन भी हुई हैं और भी एडमिशन्स आ रही हैं। जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए हमने बहुत ही अपना जो भी प्रोग्राम रखा था उसके जरिए लोगों को बताया है कि यहाँ हमारा ऑफिस है, ताकि लोग यहाँ आ सकें और एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी कर सकें और एडमिशन ले सकें। थैंक यू।